हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वेक्टर स्पेस। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर स्पाइन दोनों की डिफिनेशन बताई थी। उसके बाद हमने आपको एक थ्योरम भी प्रूव कराई थी और उसके बाद हमने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। तो उम्मीद करते हैं पिछले क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में भी हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो आज का भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए लिखा गया है, प्रूव दैट द सेट E1, E2, E3 ये क्या होंगे भाई, वेक्टर्स दे रखे हैं। जनरेटर्स R3, R3 का मतलब वेक्टर स्पेस कह लीजिए, या VF लिखा हो, R3 लिखा हो, V3R लिखा हो, एक ही बात है, वेक्टर स्पेस। यानी कि ये किससे जनरेटेड है, वेक्टर स्पेस से। When E1 इक्वल टू लिखा है 3, 2, 1, E2 इक्वल टू 1, 0, 0 एंड E3 इक्वल टू 2, 0, 1, यहाँ पे इन्होंने वेक्टर्स दे रखे हैं। तो हमने आपसे कहा जब कहीं भी लिखा होगा जनरेटर्स R3 लिखा हो, VF लिखा हो, V3R लिखा हो, इसका मतलब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है इन वेक्टर्स का। तो क्या करेंगे भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन आपको नहीं दे रखा है तो इसके लिए हम लोग XYZ एक ऐसा वेक्टर मान लेंगे जिसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने आपको जो पिछले क्लास में मेथड बताया था सेम उसी मेथड को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले भाई गिवन में जो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं हमने लिख लिया, E1 इक्वल टू दे रखा है 3, 2, 1, E2 इक्वल टू 1, 0, 0, E3 इक्वल टू दे रखा है 2, 0, 1। लेट कर लिए XYZ एक वेक्टर है जो R3 में बिलोंग कर रहा है, इसी का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे। देन देयर एग्जिस्ट एक स्केलर मान लिया है, क्या माने, ABC जो बिलोंग कर रहे हैं R में। हमने आपसे कहा जब कहीं भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो क्या फॉर्मूला, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको तीन वेक्टर ही दे रखे, तो हमने आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो X1, X2, X3 एंड सम ऑन XN, यानी कि यहाँ पे आपको N वेक्टर दे रखे। तो जब N वेक्टर होंगे तो N स्केलर भी होंगे। कंडीशन क्या थी भाई, हमने आपसे कहा था यहाँ पे आपको N वेक्टर दे रखे हैं, अगर हम लोग इसका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो हमने मान लिया कोई एक वेक्टर ले लिया जिसको हमने X मान लिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो भाई अल्फा यहाँ पे हम लोग स्केलर ले लेंगे, α1, α2, α3 एंड सम ऑन αn, यानी कि जितने वेक्टर होंगे उतने ही स्केलर होंगे। कंडीशन क्या होगी भाई, एक स्केलर की मल्टीप्लाई आपको एक वेक्टर के साथ करनी हो, बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो एक्स का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करें तो ये देखिए x1 आ जाएगा, α1 या कह सकते हैं भाई α2 आ जाएगा, xn आ जाएगा, x2 आ जाएगा। यहाँ भाई α1 और x1 पहले हम लोग क्या लिखते हैं, स्केलर लिखते हैं उसके बाद वेक्टर लिखते हैं। तो α1 x1 प्लस में α2 x2 प्लस का निशान लगाएंगे, α3 x3 ऐसी एन समान α n और xn, ये होता था लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन नहीं, यहाँ पे तीन वेक्टर आपको दे रखे तो इसलिए हमने तीन स्केलर लेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए स्केलर क्या ले लिए, ABC जो कि R में बिलोंग करेंगे, ठीक है, समझ गए हो यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे भाई, वही लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए लिख देंगे। तो लिखिए यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर किसका निकालेंगे, XYZ। तो यहाँ पे लिखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x, y, z, इसका हम लोग क्या निकालेंगे भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। तो जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है उसे हेड से लिख दीजिए, XYZ इक्वल का निशान लगाएंगे, एक वेक्टर की मल्टीप्लाई एक स्केलर के साथ। तो ये देखिए तीन स्केलर, ये रहे आपके तीन वेक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया a और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, E1 के साथ, प्लस का निशान लगाएंगे। सेकेंड स्केलर है b, इसकी मल्टीप्लाई E2 के साथ, प्लस का निशान लगाएंगे। थर्ड स्केलर है आपका c, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे E3 के साथ, हो गए। उसके बाद क्या करेंगे भाई, E1, E2, E3 की रखिए वैल्यू, तो a एट z लिखा रहेगा। E1 की वैल्यू चल रही है 3, 2, 1, प्लस का निशान लगाएंगे, b एट z लिखा रहेगा। E2 की वैल्यू चल रही है 1, 0, 0, फिर प्लस का निशान लगाएंगे भाई, यहाँ पे c एट z लिखा रहेगा। E3 की वैल्यू चल रही है 2, 0, 1। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करना भाई, a की मल्टीप्लाई b की और c की कर दीजिए मल्टीप्लाई, x, y, z एट z लिखा रहेगा। जब एक ही मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3a, 2a एंड a, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा b, 0, 0, क्योंकि b की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आपको b मिल जाएगा, और 0 से करेंगे तो भाई 0 हो जाएगी। उसके बाद c की मल्टीप्लाई करिए, प्लस का निशान लगाएंगे, जैसे ही c की मल्टीप्लाई करेंगे 2c, 0, c ये मिल गई आपको वैल्यू। अब क्या करना भाई, वेक्टर को ऐड करना हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। अगर 2 लिखे हो, 3 लिखे हो, 4 लिखे हो, n भी लिखे हो, कंडीशन सेम वही रहेगी, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये लिखा 3a b एंड 2c, ऐड कर लीजिए तो 3a आ जाएगा, प्लस का b आएगा, प्लस का आ जाएगा 2c,
फिर सेकंड वाले एलिमेंट को आप साइन किस करेंगे, कॉमा लगाइए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले एलिमेंट को जैसे ही हम लोग फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे फिर कॉमा आ जाएगा, सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड करेंगे फिर से कॉमा, थर्ड वाले को थर्ड के साथ। जब सेकंड वाले करेंगे तो 2a 0 0, यानी कि आपको ओनली क्या मिल जाएगा 2a, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे a आ जाएगा 0 एंड c, तो यहाँ पे a प्लस 0 प्लस c करेंगे क्या मिल जाएगा, a प्लस का c मिल जाएगा। ये आ गई आपकी वैल्यू, और x y z एड z लिखा रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो भाई कंपेयर कर लेते थे। चलिए लिख देते हैं कंपेयर। जैसे ही हम लोग कंपेयर करेंगे तो भाई फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया 3a प्लस का b प्लस का 2c इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ये देखिए। फिर a प्लस का c इक्वल टू क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए, क्योंकि हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। उसके बाद उसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ से देखिए आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, a की, तो निकाल लीजिए। दिस इंप्लाई दैट a इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन 2। और इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर थर्ड बनाइएगा, इस वाली इक्वेशन को 4 बनाइएगा। और जैसे ही आपको a की वैल्यू मिल जाती है भाई, जैसे ही यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग रखेंगे c की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखिएगा वैल्यू ऑफ a पुटिंग इक्वेशन 4, a की जो वैल्यू उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। तो रखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा y अपॉन 2 प्लस का c z, ठीक है। अब देखिए y अपॉन 2 है इक्वल टू उस साइड ले जाए, तो यहाँ पे c इक्वल टू आपको मिल जाएगा z, माइनस में आ जाएगा y अपॉन 2। चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद या चाहें तो एट जेड लिखाई। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 2z माइनस का y अपॉन में आ जाएगा 2। ये आ गई है c की वैल्यू। अब देखिए आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, c की वैल्यू मिल चुकी है, चाहें तो आप a और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर जैसे ही सेकंड में रखेंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, b की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसके बाद लिखिएगा द वैल्यू a कॉमा c, a और b की वैल्यू, सॉरी a और c की वैल्यू पुटिंग इक्वेशन सेकेंड। अब ए और सी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करें, यहाँ तक नोट कर लीजिए और एक बार फिर से समझिए। जैसे हमने कल की क्लास में मेथड फॉलो करा तो सेम उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। जो वेक्टर्स दे रखे थे उन्हें एट जेड लिख दिया, उसके बाद हमने एक्स वाई जेड एक वैक्टर लिया जो आर थ्री में बिलोंग कर रहा है। तीन वैक्टर थे, तीन स्केलर भी लेड कर लिया। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस वैक्टर, जो वैक्टर हमने लेड करा था लीनियर कम्बिनेशन के लिए उसी का लीनियर कम्बिनेशन फाइंड कर रहा है। तो क्या आता है भाई, एक स्केलर की मल्टीप्लाई एक वेक्टर, तो यहाँ पे स्केलर क्या है, ए बी सी है, वेक्टर क्या है, ई वन ई टू ई थ्री है, और बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, और जैसे ही आप सॉल्व करते जब वेक्टर्स ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तीन इक्वेशन आपकी हमेशा बनेंगी। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही ए बी सी की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ तक क्वेश्चन को कर लीजिए नोट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए ये रही आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए की और सी की वैल्यू रखेंगे। चाहे तो लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 3a प्लस का बी प्लस का 2c इक्वल में लिखा हुआ है एक्स, तो 3 एट जेड लिखा रहेगा। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है वाई अपॉन 2, ये लिखी हुई। प्लस का निशान लगाएंगे, बी एट जेड लिखा रहेगा। सी की वैल्यू क्या चल रही है, सी की वैल्यू चल रही है 2 एट जेड लिखा रहेगा, और सी की वैल्यू है 2z माइनस का एक्स, सॉरी 2z माइनस का वाई अपॉन में लिखा हुआ है 2, इक्वल में लिखा है एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3y अपॉन में आ जाएगा 2, प्लस का b एट जेड लिखा रहेगा, और प्लस में लिखा हुआ है 2z माइनस का वाई इक्वल में लिखा हुआ है एक्स। वाई बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, 2z लिखा है, वाई सभी को उस इक्वल के उस साइड ले जाइए। तो यहाँ पे आपको b इक्वल टू मिल जाएगा एक्स माइनस का आ जाएगा 2z, प्लस का आ जाएगा वाई, माइनस का आ जाएगा 3y अपॉन हो जाएगा 2। ये आ रही है आपकी वैल्यू। चाहें तो आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2x माइनस का 4z, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस का 2y माइनस का 3y अपॉन में आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2y लिखा है, यहाँ पे माइनस का 3y लिखा है, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी b इक्वल टू 2x माइनस का 4z, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का y अपॉन में आ जाएगा 2, एंड यही हो जाएगा आपका b का फाइनल वैल्यू। यानी कि b की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 2x माइनस का 4z माइनस का y अपॉन 2। चाहे तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए y चल रहा है 2y, ये देखिए प्लस का y लिखा था, यहाँ पे माइनस का 3y लिखा था। तो हमने क्या करा, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसे माइनस कर सकते हैं, ऐसे हम लोग माइनस नहीं कर सकते थे। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा y कॉमन लीजिएगा, जैसे ही
ही बाई कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का 3 बाई टू आपको मिल जाएगा, और जैसे ही 1 माइनस का 3 बाई टू मिलेगा आपको तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस यानी कि माइनस का 1 बाई टू मिल जाएगा, यानी कि माइनस का आ जाएगा y अपॉन टू। इस पूरी वैल्यू की जगह आप लिख सकते हैं माइनस का y अपॉन टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे आप इसको डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का y अपॉन टू। तो ये आ गई है b की वैल्यू, a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, c की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a b c की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या चाहें तो आप इसी को लिख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा द वैल्यू ए कॉमा बी कॉमा सी पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल में आ रहा था, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे भाई, ए बी सी की वैल्यू रख दें, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल में यहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या आ रही थी, ए की वैल्यू आ रही वाई अपॉन टू, तो ये लिख दिया। और ई वन की जगह यहाँ पे लिखा था थ्री कॉमा टू कॉमा वन, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। बी की ए रही वैल्यू, बी की वैल्यू आ रही है टू एक्स माइनस का फोर जेड माइनस का वाई अपॉन में लिखा हुआ है टू, और यहाँ पे ई टू की जगह लिखा हुआ था वन कॉमा जीरो कॉमा जीरो, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू आ रही थी टू जेड माइनस का वाई अपॉन टू, तो टू जेड माइनस का वाई अपॉन में आ जाएगा टू। ई थ्री की जगह लिखा हुआ है टू कॉमा जीरो कॉमा वन, आप प्लस का निशान लगा के इसको इक्वल में ही लिखिएगा, ठीक है, यानी कि आप प्लस का निशान लगाइएगा, एक लाइन में इसको ही लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि जब कहीं भी हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिख, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ तक क्वेश्चन को कर लीजिए नोट, करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सप्रेस एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंस द रिक्वायर्ड वैक्टर एक्स वाई जेड एक्सप्रेस एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ई वन ई टू ई थ्री, यानी कि जो वैक्टर हम लोगों ने लेट कर रखा है एक्स वाई जेड वो ई वन ई टू ई थ्री के साथ लीनियर कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए। जब कोई भी लीनियर कम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी मैथड को फॉलो करना, मैथड चेंज नहीं है। क्या करना भाई, जितने वैक्टर दे रखे उतने ही स्केलर लेट करेंगे, उसके बाद वही लीनियर कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे ए बी सी की जगह अल्फा बीटा गामा भी लेट कर रखे, भाई स्केलर आपको लेट करने, ए बी सी की जैसी वैल्यू मिलेगी उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिएगा, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे भी सेम उसी मेथड को फॉलो करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यदि यू वन इक्वल टू यहाँ पे लिखा है वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव, यू टू इक्वल टू लिखा है माइनस का टू कॉमा माइनस का सेवन कॉमा माइनस का नाइन, एंड यू थ्री इक्वल टू लिखा है फाइव कॉमा फोर्टीन कॉमा ट्वेंटी सिक्स, देन रिटर्न टू कॉमा सिक्स कॉमा फोर्टीन बिलोंग कर रहा है आर थ्री। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है एक, ये तीन तो वैक्टर्स आपको दे ही रखे, बट यहाँ पे एक अदर वैक्टर दे रखा है टू कॉमा सिक्स कॉमा फोर्टीन, उनका ये आर थ्री में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अब हमें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो लेट नहीं करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या दे रखी है टू कॉमा सिक्स कॉमा फोर्टीन दे रखी है। एज अ लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन को हम लोग एल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैक्टर यू वन यू टू यू थ्री, हमें ये सॉल्व करना है, हमें बताना है कि जो ये आपको वैक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड जो आपको ये यहाँ पे जो वैक्टर दे रखा है, ये जो वैक्टर है इनके साथ यू वन यू टू यू थ्री यू थ्री के साथ लीनियर कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैथड सेम वही रहने वाला, सबसे पहले हमने जो वैक्टर गिवन में दे रखे थे उसे एट द लिख दिया, उसके बाद अब हमें एक्स वाई जेड लेट नहीं करना, तो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए भाई टू कॉमा सिक्स कॉमा फोर्टीन बिलोंग कर रहा है आर थ्री में, देन दे आर एंट्री स्केलर, भाई अभी भी हमें लेट ही करने पड़ेंगे, तो स्केलर लेट करी ए कॉमा बी कॉमा सी जो कि बिलोंग कर रहे हैं आर में। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैक्टर किस वैक्टर
वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन निकालेंगे जो आपको वाई दे रखा है, तो इसका हम लोग निकाले लीनियर कम्बिनेशन। तो अब एक्स वाई जेड की जगह क्या आ जाएगा, 2, 6, 14 आ जाएगा। तो लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं, एक वैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर के साथ। तो ए लिखा, ये देखिए एक स्केलर आ गया, एक वैक्टर यू वन आ गया। चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिएगा ए यू वन, फिर प्लस का लिखिएगा बी यू टू, फिर प्लस का लिखिएगा सी यू थ्री, यहाँ पे लिखिएगा सी एंड यू थ्री। सबसे पहले आप इस वाली लाइन को लिखिएगा, उसके बाद चाहे तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। एक स्केलर क्या चल रहा है, ए बी सी है वो स्केलर है, यू वन यू टू यू थ्री क्या है वेक्टर, देखिए तो मल्टीप्लाई करें। उसके बाद क्या करेंगे, यू वन की यू टू की एंड यू थ्री की वैल्यू पुट करें। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे ए की बी की सी की सभी की कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं भाई, वैक्टर्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हमने वैक्टर्स को ऐड करा तो यहाँ पर देखिए आ गया ए माइनस का 2b प्लस का 5c। ये देखिए फर्स्ट वाले वेक्टर को फर्स्ट के साथ, सेकंड सॉरी फर्स्ट वाले एलिमेंट जितने यानी कि वेक्टर यहाँ पे जब हम लोग ऐड करते हैं तो सभी में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक साथ लिखते हैं, सेकंड वाले को सेकंड के साथ और थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड करते हैं। ये देखिए a लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 2b और 5c। तो ये देखिए a आ गया माइनस का 2b प्लस का 5c, ऐड कर रहा है तो भाई प्लस का साइन, बट यहाँ पे माइनस चला दो तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट देखिए 3a लिखा हुआ है, माइनस का लिखा है 7b और 14c लिखा। तो ये देखिए 3a माइनस का 7b प्लस का 14c आ गया। उसके बाद माइनस का यहाँ पे सॉरी प्लस का 5a लिखा है, तो ये देखिए प्लस का 5a आ गया, माइनस का 9b और प्लस का लिखा है 26। ये देखिए माइनस का 9b प्लस का आ गया 26। उसके बाद कंपेयर कर लीजिए, ये रही आपकी इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करें, अगर ए बी की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे अगर ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाती इसका मतलब ये लीनियर कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं होगी इसका मतलब है कि ये लीनियर कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिली 3a और ये लिखा हुआ है a, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी 3a आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू, और ये देखिए 3a से 3a कैंसिल हो जाता है जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा मल्टीप्लाई बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में कर रहे हैं मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जैसे इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिल जाएगा 3a, माइनस का मिल जाएगा 6b, प्लस का मिल जाएगा यहाँ पे जैसे 3 से मल्टीप्लाई हो तो आपको मिल जाएगा 15c इक्वल में आ जाएगा 6। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किससे करें, इस वाली इक्वेशन को, तो इसको लिख दीजिए 3a माइनस का 7b प्लस का आ जाएगा 14c इक्वल में आ जाएगा 6, और कर लीजिए इसको सॉल्व। भाई सब्ट्रैक्ट करें इसका मतलब क्या, भाई माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का 6b लिखा है और प्लस का 7b, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस का b, ठीक है भाई, माइनस का 6b लिखा हुआ है और प्लस का क्या है 7b, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस का भी ही तो मिलेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का 14c है और प्लस का लिखा हुआ 15c, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस का c, और 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 0। इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पे b प्लस का c इक्वल टू आ रहा है 0। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसी का यूज़ करेंगे, यहाँ पे 5a लिखा है। अब हम लोग इस वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब की हम लोग इसको 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वेशन सेकंड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अब के हम लोग सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर 4 से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लें, जैसे ही हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 5a माइनस का 10b, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे कर रहा है 5 से कर रहा है, प्लस का 25c इक्वल में आ जाएगा 10 की, आ गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। आप इसके आगे यहाँ पे लिखिएगा, इस वाली इक्वेशन को लिखिएगा 5a माइनस का 10b प्लस का 25c इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 10। और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, भाई इस वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें, और यहाँ पे देखिए इक्वल में एक वैल्यू चल रही होगी 5a माइनस का 9b प्लस का 26,
सी, ये देखिए इक्वल में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14, इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वल में क्या चलेगा 14 चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई करी इस वाली इक्वेशन में, ये रही आपकी इक्वेशन। अब हम लोग इसको इससे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5a माइनस का 9b प्लस का आ जाएगा 26c इक्वल में आ जाएगा 14। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो भाई सब्ट्रैक्ट जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये देखिए प्लस आएगा माइनस, ये हो गया माइनस, 5a से 5a तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी 10 में से जब 9 जाएगा तो, और ये देखिए यहाँ पे मिलेगा माइनस का b आपको, जैसे ही 10b में से हम लोग 9b माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का b। 25c लिखा है 26c, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस का c इक्वल में क्या आ जाएगा भाई 10 लिखा है माइनस का 14 लिखा है, यानी कि माइनस का 4 ये आ रही है आपकी यहाँ पे वैल्यू। तो जैसे आप चाहें तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लेके जैसे कैंसिल करेंगे तो b प्लस का c इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर, इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर 6। आप ये तीनों लाइन को कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे जहाँ पे हमने लिखा है मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वेशन सेकंड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, आप यहीं पे लिखिएगा इन तीनों को, ठीक है। अब देखिए आप जैसे ही इक्वेशन 5 और 6 को करते हैं सॉल्व, ठीक है, जैसे ही हम लोग इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आपको आंसर मिलने वाला है। अब देखिए जैसे ही हम लोग या तो इन्हें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2b 2c, यानी कि वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों ही कैंसिल हो, यानी कि अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि किसी की भी वैल्यू निकल सके, क्योंकि बी प्लस सी लिखा हो यहाँ पे भी बी प्लस का सी ही आ रहा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ऐड करेंगे तो 2b प्लस का 2c इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से ना ही हम लोग बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ना ही सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ABC की वैल्यू इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग A या B या C किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको ये वेक्टर दे रखा है ये U1 U2 U3 के साथ लीनियर कंबिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझिए, तो सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए और एक बार फिर से समझिए, देखिए मैथड सेम वही था, बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर ABC की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही है, और अगर ABC की वैल्यू फाइंड नहीं होगी इसका मतलब ये लीनियर कंबिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसे सबसे पहले क्या करिए नोट कर लीजिए, और यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वेशन सेकंड एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, इसके बाद आप ये वाली लाइन लिखिएगा यहाँ से, ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, इस पूरी लाइन को लिखिएगा, और ये देखिए आपकी इक्वेशन नंबर 5 लिखी हुई है और ये लिखी हुई है 6। तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसके आगे हम लोग सॉल्व करने की कंडीशन अप्लाई करेंगे, हालांकि सॉल्व नहीं होगी, उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि ABC की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करा। सबसे पहले क्या करी कर लीजिए यहाँ तक नोट, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 के हम लोग कह सकते हैं कि ना ही भाई हमें यहाँ पे बी की वैल्यू मिल रही है ना ही सी की वैल्यू मिल गई, अगर बाई चांस यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में निगेटिव साइन है तो हम लोग बी और सी की वैल्यू फाइंड भी कर सकते थे, फिलहाल के लिए यहाँ पे ABC की वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया वी कैन नॉट सॉल्व द वैल्यू ऑफ ABC, यानी कि जब हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें ABC की वैल्यू नहीं मिल रही है, सो द वेक्टर, इसलिए यहाँ पे जो वेक्टर हमें दे रखा है 2, 6, 14 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1, U2, U3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही हमें ABC की वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो आपको ये वेक्टर दे रखा है ये जो है U1, U2 और U3 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया इफ़ द वेक्टर R3 एक्सप्रेस एज द वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है 1, -2, 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ये जो वेक्टर है इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, ये हमें सॉल्व करना। तो यहाँ पे अगला जो वेक्टर दे रखे वो दे रखे 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, -1, 1, ये आपको वेक्टर्स दे रखे। सबसे पहले क्या करें, मैं सॉल्यूशन में जो वेक्टर दे रखे उन्हें लिख लेंगे और लेट कर लेंगे, भाई इनको कोई नाम दे देंगे जैसे α1, α2, α3 या U1, U2, U3, कुछ भी आप यहाँ पे इन्हें नाम दे सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया, जो आपको वेक्टर दे रखा है फर्स्ट उससे हमने α1 मान लिया, क्या दे रखा है 1, 1, 1, सेकेंड वाले को हमने α2 मान लिया जो दे रखा है 1, 2, 3, उसके बाद हमने थर्ड वाले को α3 मान लिया जो दे रखा है यहाँ पे 2, -1, 1, और गिवन में भाई जो आपको वेक्टर दे रखा है ना कि जिसका आपको लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड करना, वो दे रखा है 1, -2, 5 जो कि R3 में बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे भाई तीन वेक्टर दे रखे, तो तीन ही स्केलर भाई मान ली ABC बिलोंग कर रहे हैं R में।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर किसका निकालेंगे, 1, -2, 5 का हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। मेथड सेम वही रहने वाला, तो यहाँ पे 1, -2, 5 लिख दिया भाई। एक वेक्टर की मल्टीप्लाई एक स्केलर के साथ होगी, तो स्केलर क्या दे रखे, ए बी सी दे रखे, तो फर्स्ट वाले स्केलर की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले वैक्टर के साथ होगी। देखिए ए अल्फा 1, फिर प्लस में आ जाएगा बी अल्फा 2, प्लस का आ जाएगा सी अल्फा 3। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू रख दी, जैसे ही वैल्यू रखा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। उसके बाद भाई स्केलर की मल्टीप्लाई कर ली वेक्टर के साथ, जैसे ही मल्टीप्लाई करी ये आ रही है आपकी वैल्यू। उसके बाद क्या करते हैं भाई, वेक्टर्स को ऐड करते, तो वेक्टर्स को ऐड करने पे ये मिल गई आपको वैल्यू। कंपेयर करते तो ये लीजिए, हमने कंपेयर कर लिया, इनको बना ली इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4। अब आपको करना क्या है, आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे ही आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, हमें लिख दिया भाई ऑन सॉल्व। सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू -6 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है, और सी की वैल्यू 2 आ रही है। जैसे ही आपको एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी, द वैल्यू पुटिंग इक्वेशन सेकंड, यानी कि एबीसी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इसको लिखिएगा पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम लोग एबीसी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो ये देखिए ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू आ रही है 2। तो हम लोग लिख सकते हैं हिंस द रिक्वायर्ड वैक्टर 1, -2, 5 एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। यानी कि यहाँ पर जो आपको एक वैक्टर दे रखा है 1, -2, 5 वो लीनियर कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है किसके साथ, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 के साथ वो लीनियर कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा और इन इक्वेशन को सॉल्व जरूर करिएगा। वैल्यू हमने आपको बता दी, ये आएगी, बस आपको क्या करना भाई सॉल्व करना। अब जैसे कि सिर्फ सॉल्व करेंगे तो ए चल रहा है सभी के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इक्वेशन सेकेंड को और थर्ड को लीजिए आप, इनको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही ए भाई कैंसिल हुआ तो इक्वेशन बी और सी के टर्म में मिल जाएगी। इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर 5। एक इक्वेशन आपको मिल गई बी और सी के टर्म में, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 5 बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार आप इक्वेशन सेकंड और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, ए चल रहा है यहाँ पे भी ए कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही ए कैंसिल लेगा तो आपको फिर से एक इक्वेशन मिलेगी जो बी और सी के टर्म में होगी, उसको बनाएगा इक्वेशन नंबर 6। और जैसे ही बी और सी के टर्म में होगी कोई ना कोई वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। 5 और 6 को या तो सब्ट्रैक्ट करने पर या भाई मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पर कोई ना कोई आपको एक वैल्यू मिलेगी। जैसे ही आपको बी और सी किसी की भी वैल्यू मिलती है सॉल्व करिए, अगर बी की मिलेगी उसके बाद आप बी की वैल्यू की हेल्प से सी की निकाल सकते हैं, सी की मिल जाती तो उसकी हेल्प से आप बी की वैल्यू निकालेंगे, और बी और सी की जैसे ही आपको वैल्यू मिलेगी उसकी हेल्प से आप यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते समझिए कैसे करना है, यानी कि सबसे पहले आपको इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद चाहे तो थर्ड और 4 को सब्ट्रैक्ट करें या सेकंड और 4 को सब्ट्रैक्ट, बी और सी के टर्म में इक्वेशन मिलेंगे उनको सॉल्व करेंगे, आपको इजीली तरीके से यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल के लिए हमने वैल्यू लिख दी कि ए की वैल्यू 6 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है, और सी की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 मिल रही है। और जब भी भाई वैल्यू मिल जाती है इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको कर लीजिए नोट। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर, यहाँ पे दे रखा है 3, 1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। इन्होंने कहा है कि ये जो वेक्टर दे रखा है वो इन वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वैल्यू ऑफ एम यानी कि एम की हमें वैल्यू बताइए। चलिए सॉल्व करेंगे, मेथड वही रहने वाला है, बस यहाँ से आपको एम की वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी भी आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड करिए तो क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले भाई मेथड वही लगाएंगे, यहीं से आपको क्या मिल जाएगी एम की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाई वेक्टर लेट कर लेंगे, तो लेट कर लीजिए वेक्टर्स जो भी दो आपको भाई दो वेक्टर दे रखे हमने, आप उसका 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं और n भी मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 2 दे रखे तो हमने लेट कर लिया कि अल्फा 1 इक्वल टू दे रखा है 3, 2, 1 एंड अल्फा 2 इक्वल टू दे रखा है 2, 1, 0। ये आपको दो वैक्टर दे रखे, तो भाई अब क्या करेंगे हम लोग स्केलर लेट करेंगे, तो लिखिए एंड स्केलर, दो वेक्टर हैं तो दो ही स्केलर होंगे, क्या ले लेंगे हम लोग a, b, तो हमने स्केलर ले लिए। अब भाई स्केलर बिलोंग किस में करेंगे, भाई यहाँ पे r लिखा हो तो हम लोग r में बिलोंग करवा देते, बट यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे a, b बिलोंग किस में कर रहा है, f में बिलोंग कर रहा है। भाई f में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये स्केलर होगी। उसके बाद लिख दीजिएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर, किस वैक्टर के साथ भाई निकालेंगे हम लोग m, 3, 1 इस वैक्टर का हम लोग निकाल रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए m, 3, 1 इक्वल में क्या आ जाएगा भाई, a आ जाएगा, अल्फा 1 आएगा, प्लस का b आएगा, अल्फा 2 आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू रखेंगे तो a एट z लिखा रहेगा, अल्फा 1 की वैल्यू 3, 2, 1 प्लस का निशान लगाएंगे, b एट z लिखा रहेंगे, अल्फा 2 की वैल्यू 2, 1, 0 ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे, 3a आ जाएगा प्लस का 3a आ जाएगा, कॉमा का निशान लगाएंगे 2a आएगा,
थ्री ए कॉमा टू ए कॉमा ए आ जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, टू बी कॉमा जीरो आ जाएगा, वेक्टर्स को ऐड कर देंगे भाई। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी थ्री ए प्लस का टू बी, फिर टू ए मिल जाएगा प्लस का बी मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा यहाँ पे आपको ए। ये देखिए फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ ऐड करा तो थ्री ए प्लस का टू बी मिल गया, सेकेंड वाले को सेकेंड के साथ ऐड करा तो टू ए प्लस का बी मिल गया, थर्ड वाले को थर्ड के साथ ऐड करा भाई जीरो चला तो ए प्लस का जीरो, यानी कि आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। और यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, एम कॉमा थ्री कॉमा वन चल रहा है भाई, कंपेयर कर लीजिए। जैसे ही हम लोग लिखेंगे कंपेयर तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्री ए प्लस का टू बी इक्वल टू एम मिल जाएगा। और इसके चाहे तो इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए या ना बनाइए कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ओनली एम की वैल्यू फाइंड करें, उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा, आप एम की वैल्यू नहीं बताइए। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा, इसको बनाइएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा टू ए प्लस का बी इक्वल टू आ जाएगा थ्री, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू वन। ए इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए इक्वल टू आपको मिल रहा है वन। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि अब यही ए की वैल्यू आपको मिल गई, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर थर्ड और इसको बनाइए इक्वेशन फोर, और इसको लिख दीजिएगा पुटिंग इक्वेशन थर्ड। इसको हम लोग क्या करें इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करें, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ रही है वन। जैसे ही हम लोग ए की वैल्यू वन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद ए और बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करें तो एम की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा टू ए की वैल्यू क्या है वन प्लस का आ जाएगा बी इक्वल में चल रहा है थ्री, तो बी इक्वल टू आ जाएगा थ्री माइनस का टू, यानी कि बी की वैल्यू भी क्या आ रही है वन आ रही है। यहाँ पे लिखिए द वैल्यू ए कॉमा बी पुटिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड में ए और बी की वैल्यू रखिए तो थ्री इंटू वन प्लस में टू इंटू वन इक्वल में आ जाएगा एम, यानी कि थ्री प्लस का टू इक्वल में लिखा हुआ है एम, तो एम इक्वल टू आ जाएगा फाइव, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लिया भाई। यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि एम की वैल्यू बताइए और ये जो आपको वेक्टर दे रखा है ये इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये कह सकते हैं भाई एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने क्या करा, मेथड वही लगाया भाई, जब लीनियर कॉम्बिनेशन है तो मेथड तो वही फॉलो करेंगे। तो जो दो वेक्टर दे रखे उनको हमने अल्फा वन अल्फा टू मान लिए, दो स्केलर ऐड कर लिए ए कॉमा बी जो एफ में बिलोंग करे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जो वेक्टर दे रखा है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया, ए अल्फा वन प्लस का बी अल्फा टू, अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया, कंपेयर करा। जैसे ही हमने इक्वेशन को सॉल्व करा सबसे पहले हमें ए की वैल्यू मिल गई थी, ए की वैल्यू मिली तो इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में रखा जिसकी हेल्प से हमें बी की वैल्यू मिल गई। जैसे ही ए और बी की वैल्यू मिल गई उसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख दिया, एम की वैल्यू मिल गई और एम की ही वैल्यू हमें फाइंड करी, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते भाई क्वेश्चन नंबर फोर भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी कर लीजिए नोट। क्लिक करते भाई क्वेश्चन नंबर फोर आपको समझ में आ गया। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पे लिखा गया है इज द वेक्टर टू कॉमा माइनस का फाइव कॉमा थ्री इन द सब स्पेस ऑफ आर थ्री स्पेंडेड बाई द वेक्टर वन कॉमा माइनस का थ्री कॉमा टू, टू कॉमा माइनस का फोर कॉमा वन, वन कॉमा माइनस का फाइव कॉमा सेवन। यहाँ पे भी सेम मेथड फॉलो होगा जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा भाई, इस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे लिखा है सब स्पेस ऑफ आर थ्री। सब स्पेस ऑफ आर थ्री का मतलब क्या भाई, हमने आपको बताया सब स्पेस का मतलब क्या होगा, ये वैक्टर स्पेस भी होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है टू कॉमा माइनस का फाइव कॉमा जो थ्री दे रखा है इन द सब स्पेस ऑफ क्या है, आर थ्री है। अब भाई स्पेंडेड वाई लिखाओ या लिखाओ जनरेटेड वाई, एक ही बात होती है, ठीक है। द वेक्टर, अब यहाँ पे आपको कुछ वेक्टर दे रखे हैं तो हमें बताना है कि ये जो आपको दे रखा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, यानी कि ये जो वेक्टर है ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा भाई, मेथड वही रखने वाला है। सबसे पहले क्या करिएगा, इसको अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री मान लीजिएगा, उसके बाद इसके साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। भाई तीन वेक्टर हैं तो तीन स्केलर भी हम लोग लाइट करेंगे। अगर भाई जैसे ही हम लोग इसके साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, अगर ए बी सी की वैल्यू इजी तरीके से फाइंड हो रही है, यानी कि अगर ए बी सी की आपको वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर आपको दे रखा है इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर ए बी सी की वैल्यू फाइंड नहीं होगी तो इसका मतलब है ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। अगर ए बी सी की वैल्यू आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं आती
आती है, इसका मतलब है ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये जो वेक्टर आपको दे रखा है, ये इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो अगर बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकें। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे तो इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, एंड कल की क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।